तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बनी ड्रॉप एनिमे सीरीज के बारे में। ये जो सीरीज है वो टॉप 100 में आती है। अब जब सर्च करोगे इसके बारे में एनिमे लिस्ट के टॉप लिस्ट के ऊपर, तो वहां पर आप लोगों को इस एनिमे सीरीज के ऊपर काफी ज्यादा हाई रेटिंग मिलेगी। और जब मुझे कोई सोचता नहीं है कि यार मुझे कौन सी एनिमे मूवी या एनिमे सीरीज देखनी चाहिए, तो भाई साहब मैं सीधा इस लिस्ट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, उनके बारे में थोड़ा बहुत वहां पर लिखा हुआ होता है उसके बारे में पढ़ता हूँ और फिर वहां से मैं देखना स्टार्ट करता हूँ। टोटल इस सीरीज के अंदर 11 एपिसोड है और बाकी 3 ओवीए हैं, 3 हैं या 4 है देखो यार उसके बारे में मुझे पता नहीं, क्योंकि ओवीए के ऊपर मैंने इतना ध्यान दिया नहीं क्योंकि मैंने देखे ही नहीं। मैंने मेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके एपिसोड ही देखे हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। और हर एपिसोड तकरीबन 23 मिनट का है, अगर आउट्रो इंट्रो हटा दो तो 19 मिनट का ही एपिसोड बच जाता है। और इस एनिमे सीरीज को देखने का एक और रीजन ये था कि भाई साहब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 11 एपिसोड है, तो मैं ऐसी सीरीज या ऐसी मूवी देखना ज्यादा पसंद करता हूं जो कम टाइम में खत्म हो जाए, क्योंकि यार इतना ज्यादा टाइम देना किसी एनिमे सीरीज या एनिमे मूवी को अभी फिलहाल जिस कंडीशन पे मैं नहीं दे सकता। ओके, अब चर्चा कर लेते हैं इस एनिमे सीरीज की कहानी के बारे में। एक 30 साल का एक आदमी जिसका नाम होता है डाइकची, अब वो अपने घर से बहुत दूर रहता है, बहुत दूर क्या मतलब घर से दूर ही रहता है, अकेला रहता है क्योंकि काम के कारण इसको अपने घर जाने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए वो कभी साल दो साल में एक बार घर जाता है। लेकिन अब होता क्या है, उसके जो दादाजी हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब जो डेथ होने के बाद जब सारे इकट्ठे होते हैं रिलेटिव, इसको वहां पर जाना पड़ता है, और जब ये अपने दादाजी के घर पर जाता है तो वहां पर इसको एक लड़की मिलती है, रिन नाम इसके लड़की का होता है जो 6 साल की होती है। दरअसल ये जो रिन है यानी जो 6 साल की बच्ची है, ये इसके दादा की बेटी है, यानी मतलब सिंपल भाषा में समझाऊं ये जो डाइकची है इसकी मासी है वो 6 साल की, मतलब 30 साल का एक व्यक्ति उसकी 6 साल की मासी है। डाइकची के दादा के गुजरने के बाद अब यहाँ पर जो कन्वर्सेशन होती है कि भाई इस बच्ची को यानी इस ऋण को कौन संभालेगा, कौन इसको लेके जाएगा या फिर इसको कहां पर रखें, तो ये जब चर्चा हो रही होती तो इसको कोई भी ले जाने के लिए तैयार नहीं होता। तब इस चीज को देखकर डाइकची को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि 6 साल की बच्ची उसको तुम कहां छोड़कर जाओगे, तो वो ये फैसला लेता है कि मैं इस बच्ची को संभालूंगा। और स्टार्टिंग में आप ऋण गए यानी 6 साल की बच्ची है, इसका करैक्टर देखेंगे, इसका बिहेवियर देखेंगे, तो किसी से भी बात नहीं करता, बिल्कुल चुप रहता है। लेकिन बावजूद इसके ये सारी चीजों को समझती है, यानी 6 साल की बच्ची, इसके बाद जो समझ दिखाई गई है वो काफी ज्यादा मैच्योर लेवल की दिखती है। यहां पर कि भी हालात को समझती है, इसको पता चल रहा है कि इसके बारे में बात हो रही है, इसको कोई ले जाने नहीं चाह रहे। और जब डायरेक्टर भी इससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तब इस बच्ची का जो उतावलापन मतलब ऐसे दिखता है कि यार कोई तो मुझे ले जाने, एकदम फट उसकी तरफ वो भागने लगती है। एक ऐसा इंसान जो अकेला रहता आ रहा है, इसने कभी किसी की जिम्मेदारी नहीं ली, आलसी है, तो वहां पर जब वो एक छोटी बच्ची की जिम्मेदारी लेता है तो इसकी लाइफ पर क्या क्या असर पड़ता है, मतलब डाइकची की लाइफ पर क्या क्या असर पड़ता है, उसे ये सब चीजें कैसे संभाली जाती हैं, तो सारी चीजें जो है वो इस सीरीज के अंदर दिखाई गई है। अगर मैं अच्छी बातों की बात करूं तो इस सीरीज के अंदर जो मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट जो दिखाया गया वो बहुत ज्यादा सुंदर लगा। जैसे कि रिन नाम का जो कैरेक्टर मैंने आप लोगों को बताया, शुरुआत में जैसा इसका बिहेवियर होता है, फिर धीरे धीरे उसके बिहेवियर में चेंजेज आते हैं, और यहां पर जब डाइकची को पहली बार अपने घर पे लेके जाता है और अगले दिन इसको स्कूल में ले जाना होता है, तो रिन के अंदर जैसा डर होता है कि यार ये कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा, मैं कहीं अकेली तो नहीं रह जाऊंगी, जो वो डर वहां पर दिखाया जाता है कि जब डाइकची जब इसको छोड़कर जाता है और जब वो वापस शाम को लेने आता है, जो इसकी जो स्माइल होती है, मैं कह रहा हूं यार जो रिन नाम का ये जो करेक्टर है, सच्ची में रिन नाम का क्या है, जो ये करेक्टर आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, जैसे इसकी मतलब फेशियल एक्सप्रेशन होंगे, इतना क्यूट इन्होंने बनाया है। और फिर इसमें एक और वाक्य इसके अंदर दिखाया जाता है, कैसे सीन इसके अंदर बताया जाता है कि जो जब रिन जो है अपनी माँ के साथ थी, तो रिन की माँ जो वो काम के कारण रात को अपने घर छोड़ के मतलब चली जाती थी, ऑफिस चली जाती थी, तो यहाँ पर उसको पता ही नहीं होता था कि रिन पीछे से उठ जाती है, उठने के बाद उसकी क्या हालत होती होगी, उसको दिखता होगा यहाँ पर कोई भी नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है। तो ये डायरेक्टली जब इसको बताता है कि यार तेरी बच्ची जो है, मतलब जब इसकी माँ से जब कन्वर्सेशन होती है कि भाई तुझे पता भी है वो रात को डरती है और तू मुझे छोड़कर चली गई थी, तो ये जब सारी चीजें दिखाई जाती है कि रिन का जो करेक्टर है वो कैसा है। अब स्टार्टिंग में मैंने जैसे कहा शाय एकदम बिल्कुल चुप, और अब जब मतलब डाइकची के साथ रहते रहते इसके जो दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, दोनों के बीच में एक विश्वास बनता है, दोनों एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं, और आप देखोगे कि स्टार्टिंग में तो लगेगा कि यार डाइकची जो है वो रिन को संभाल रहा है, उसकी पालन पोषण कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको एहसास होगा कि यार डाइकची नहीं कर रहा, एक्चुअल में रिन उसे संभाल रही है, उसे खाना सिखा रही है कि कैसा खाना है, और यहां पर उसका सारा शेड्यूल बदल जाता है डाइकची का। एक आलसी इंसान जब उसकी ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, वो सारा काम
टाइम टू टाइम करना शुरू करता है और करना भी पड़ता है। और दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है उसकी डेवलपिंग बहुत अच्छी दिखाई गई है। मतलब वो देखोगे ना यार बहुत अच्छा भी लगेगा। एक लड़की जो कुछ नहीं बोलती थी, बिल्कुल शाय थी, अब उसने एकदम बोलना स्टार्ट कर दिया, वो चुप ही नहीं होती। और जिस तरीके का जो करेक्टर है रिन का, मतलब बहुत समझदार, काम अपना काम समझना कि मुझे ये काम करना है, हेल्प करनी है, बहुत अच्छा लगता है यार उस करेक्टर को देखकर। और एक चीज जो मुझे इसके अंदर पसंद आई कि डाइची जो है जब स्कूल के अंदर जाता है अपनी बच्ची को, मतलब ये अपनी बच्ची तो क्या है, अपनी दादा की बेटी को जो छोड़ने जाता है, अपनी मासी को छोड़ने जाता है, तो यहाँ पर बाकी के बच्चों के पेरेंट्स से मिलते हैं, तो उनसे जब इनके दोस्त बनते हैं तो उनसे बात करते हैं कि हमें कितनी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, चीजों का मतलब टाइम को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, हमें बच्चों के साथ टाइम बिताना पड़ता है, हमारा कितना टाइम सैक्रिफाइस हो जाता है। तो ये कह रहा है कि एक तरीके से हमारे लिए पेरेंट्स के पास अपना टाइम नहीं बच पाता, बच्चों को देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स ने, जो बाकी के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया। कहता है कि ये जो हम टाइम देते हैं बच्चों को, वो किसी के लिए नहीं है, वो हमारे लिए ही है। इवन जो हम इनके साथ टाइम सैक्रिफाइस नहीं कह सकते इस चीज को, एक तरीके से वो हमारा ही टाइम है, हम उस टाइम को जीते हैं अपने बच्चों के साथ। तो कभी ये मत कहो कि हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं टाइम को बच्चों के साथ। तो ये तो थी कुछ अच्छी बातें, लेकिन इसमें कुछ जो नेगेटिव चीजें मुझे इसके अंदर लगे कि भाई इस स्टोरी के अंदर कोई भी आपको अप एंड डाउन नहीं मिलेगा, कोई ट्विस्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी चलती है। एक जो डाइची है 30 साल का, वो एक 6 साल की बच्ची को, मतलब अडोप्ट तो नहीं कहेंगे, वो अडोप्ट तो बाद में होता है, मतलब एक तरीके से अपने घर पे लाता है, घर पे लाने के बाद उसका पालन पोषण करता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। तो ये वाली स्टोरी जो इसके अंदर दिखाई गई है 11 एपिसोड के अंदर, यही चलता रहता है कि रिन के कैरेक्टर के डेवलपमेंट दिखाई जाती है, वो क्या फील करती है, उसको किस चीजों से डर लगता है, और डाइची कैसे मेहनत करके उसको पालने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब चीजें इसमें दिखाई, मतलब बिल्कुल सिंपल सी चलती है, इसके अंदर आपको टर्न एंड ट्विस्ट तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन बावजूद इसके, ये जो सीरीज है वो आपको शुरू से लेकर आखिर तक बांध कर रखने वाली है। क्योंकि मैंने कहा ना, जिस तरीके से जो डाइची का करेक्टर होता है उसके अंदर जो बिहेवियर में चेंज आते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, अपने जो जॉब होती है उसमें ट्रांसफर लेता है ताकि वो अपनी बच्ची के साथ, मतलब कि रिन के साथ रह सके, उसका टाइम टू टाइम उसे उसके स्कूल जा सके, उसको छोड़ के आ सके, उसको लेकर आ सके, उसके लिए खाना बना सके। तो ये जो मेहनत दिखाई जाती है वो काफी अच्छी लगती है। रिन जो है वो जैसे डाइची के साथ रह रही है, उसका जो ट्रस्ट उसके ऊपर बिल्डअप होता है, जैसे उसे वो बात करती है, उसे गले लगती है, तो ये सारी चीजें जब आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो छोटी मोटी नेगेटिव चीजें हैं कि कहानी के अंदर कोई अप एंड डाउन नहीं है, तो ये शायद आप इग्नोर भी कर सकते हो। मेरी तरफ से इस एनिमे सीरीज को मैं देना चाहूंगा 7.5 out of 10 सर। अगर आप लोगों ने ये एनिमे सीरीज देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, और अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, काफी अच्छी है, बढ़िया है, एक अलग जोनर आपको देखने को मिलेगा। बच्चे और एक 30 साल का एक इंसान जिसने कभी जिम्मेदारियां नहीं संभाली, जब उसके ऊपर जिम्मेदारियां आती तो कैसा बिहेव करते हैं। और आप लोगों को ये इंग्लिश डब में नहीं मिलेगी, इंग्लिश सब टाइटल के साथ मिलेगी, जैपनीज लैंग्वेज के अंदर ही। देखिए कहाँ देखने के लिए तो आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा, गूगल माता पे जाके सर्च कर लीजिए, वहां पर आप लोगों को इसका मतलब सोर्स मिल जाएगा कहाँ देखना है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।